हेलो फ्रेंड्स, किचन शेफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे छोले कुलचे। तो हमने छोले के लिए सफ़ेद मटर ली है। अब हम इसको वॉश करके 8-10 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। उसके बाद हम इसको उबालने रखेंगे। देखिए, हमने 8-10 घंटे के लिए इसको भिगो कर रख दिया था। हम इसका पानी निकाल के उबलने रखते हैं। फ्रेंड्स, हमने कुकर लिया है। हम अपनी दाल को कुकर में डालेंगे। अब डाल देंगे हम इसमें 1 चम्मच नमक। अब हम इसमें 4 सीटी लगाएंगे। फ्रेंड्स, हमारे हमारी मटर उबल चुकी है। हमने इसको उबाल लिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसका मसाला हमने लिया है, ये हमने 2 आलू लिए, इनमें हमने नमक मिर्च मिला लिया है, ये लिया हमने हरा धनिया, ये लिए हमने 4 हरी मिर्च, इनको भी हमने बारीक कट कर लिया है, ये लिए हमने हरी सॉस, ये लिए हमने 4 टमाटर, इनको हमने कट कर लिया है, ये लिए मैंने 2 प्याज, इनको भी हमने कट कर लिया है, ये लिए है मैंने लाल मिर्च, ये लिया है हमने आमचूर, ये लिया हमने काला नमक, ये लिया हमने धनिया, ये लिया है हमने चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर लिया हमने। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे। हमारे छोले तैयार हो चुके हैं। हमने सबको मिक्स कर लिया है। अब हम इसको ढक के रख देंगे। अब हम लगा लेते हैं आटा। अब हम आटा लगाएंगे। मैंने 2 कप आटा लिया है। अगर आपको तोल के हिसाब से बताऊं तो मैंने 500 ग्राम मैदा ली है। अब मैं इसमें डालूंगी। एक चम्मच डालेंगे इसमें नमक, मैदा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब डालेंगे इसमें 2 चम्मच घी। फ्रेंड्स, देखिए काफ़ी अच्छा तो आटा लगा है हमारा। तो हमने इसको गुनगुने पानी से लगाया था। आप चाहे तो ठंडे पानी से भी लगा सकते हैं इसको। देखिए, अब हम इसको वेटिंग में नहीं रखेंगे। अब हम इसको तुरंत ही बनाना शुरू करेंगे। ऐसे ही हम एक और बना लेंगे। मैंने एक और बना ली है। अब मैं इसके ऊपर रख दूंगी इसको। हम इस पे लगाएंगे थोड़ा थोड़ा घी। फ्रेंड्स, देखिए हमने सबको बना लिया है। ये हमारी चाट है, ये हमारी सैलेड है। तो हम इनको गार्निश करेंगे।
काफ़ी स्वादिष्ट बहुत ही टेस्टी बने हैं, आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।